हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नंदलाल एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल यूपी वाले सर। तो इस चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। आज के इस टॉपिक में आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे एक बेसिक कंसेप्ट से वीडियो का स्टार्ट करता हूं। एक सीरीज बनाऊंगा इसका, जो आप छोटे लेवल से एकदम हाई लेवल तक कहीं भी जाके इस पे आप लोग सवाल लगा सकते हैं, कहीं भी कंपटीशन से सवाल उठा के आप लोग कर सकते हैं। तो आप इस पूरे चैनल सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो जो स्टूडेंट्स हमारी पहली बार इस चैनल में आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे और कुछ नया नया चीज़ आप लोग सीखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग और वर्गमूल के इस चैप्टर में आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो बच्चा जिसको 10 तक केवल टेबल आता है, वो भी हमारे साथ कंटिन्यू रह के पूरे अंडर रूट का एक बड़ा सा लेवल ले सकता है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। वर्ग, देखिए स्टूडेंट्स, वर्ग को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा टेक्निकल बात, लेकिन समझ लेते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर जब स्वयं के साथ माने अपने में दो बार मल्टीप्लाई करता है, मतलब कि जब एक कोई भी नंबर स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करता है, कोई नंबर मान लीजिए कि यहाँ पे ए है, वह स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो जो नंबर हमको प्राप्त होता है उसको हम उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे कि 2 कोई नंबर है, खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 2 का स्क्वायर, जिसका जो मान होता है वह 2 × 2 = 4 ही है। तो कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से अगर हम इसका उल्टा वर्गमूल होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। कि ये जो नंबर है 4, वो किस नंबर का स्क्वायर है? अब हम इसको अंडर रूट में लिखते हैं। ये जो 4 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, मतलब कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, वो हम बोलेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है। तो इसी तरह से अगर एक नंबर मैं लेता हूँ 12, तो इसका जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, और 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है। मतलब एक दूसरे के ये क्या है, अपोजिट है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को किसी भी नंबर का। अब थोड़ा समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स क्लास केवल 10 तक उसको टेबल याद है, तो उसको मैं उंगली पकड़ के एक हाई लेवल में लेके जा सकता हूँ। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या कंसेप्ट जानकारी रखना है, वो पहले ध्यान रखेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको कम से कम 20 तक का स्क्वायर, और अधिक से अधिक तो आप जितना याद करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, लेकिन 20 से एक मीडियम क्लास का जो स्टूडेंट्स है, लोअर क्लास का, वह अगर 20 तक का स्क्वायर याद कर लेता है तो वह एक हाई लेवल का काम कर सकता है बहुत आसानी से। तो अब कम से कम 20 और 30 तक जिसको याद हो जाए, वह एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, आप सभी को 10 तक का स्क्वायर पता होगा, क्योंकि ये 10 तक का स्क्वायर जो है टेबल में ही आ जाता है, ठीक है? क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 9 का स्क्वायर 9 × 9 81 होता है, 8 का 64 होता है, तो ये टेबल के अंदर आता है। लेकिन 10 के बाद से जो 20 के बीच का डिस्टेंस है, वो आप लोग को कवर करना है। जैसे मैं बताया कि 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, ये आप लोग नोट कर लीजिए, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, और 90 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 20 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 400।
तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यहाँ ये पूरे 20 तक लिखे हैं, अगर ये पूरा आप लोगों को याद हो जाए तो आप लोग बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं इसमें, बहुत बढ़िया तरीके से काम। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ कि 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको 25 तक का स्क्वायर पता है, 25 तक का स्क्वायर, तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर में काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कम से कम कितने तक 20 तक का स्क्वायर आप लोगों को 25 तक का स्क्वायर आप लोग कवर कर लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको 20 तक भी स्क्वायर याद है तो 20 के आगे 100 तक आप लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। सबसे पहले हम, जैसे मान लीजिए कि 24 का स्क्वायर निकालना है, कितने का स्क्वायर निकालना है, 24 का स्क्वायर निकालना, हमको याद नहीं है, हमको 20 तक याद है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 24 का पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन 4 का 2 का स्क्वायर कर दीजिए और ये 4 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, दो काम हो गया। अब क्या करिए कि इन इसमें 2 में 4 से और 4 में 2 से, मतलब कहने का मतलब इससे इसमें जितना आएगा इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 8 8 2 कितना होता है 16। अब इसमें से जोड़ने का तरीका है कि ये जो 6 से पहले उतार लीजिए और ये जो 1 है इसमें आकर जोड़ दीजिए, कितना 16 और 1 17 का 7, कैरी कितना हो जाएगा 1 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं कि और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि 26 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36, इसका जो मल्टीप्लाई है इसमें करिए 12 और 12 में 2 से 24, जीरो उतार दीजिए, क्या है 6 है ना, 6 पहले उतार लीजिए यहाँ पे, और 24 और 3 27 होता है, 2 कैरी हो गया और 4 और 2 कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर 676। तो आप लोग किसी तरह शॉर्ट तरीके से आप जल्दी से इसको स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग देखते रहिए हमारे इस चैनल में, और थोड़ा ट्रिक देखिए, स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताऊँगा, फिर स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक बताऊँगा, एक उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। तो मजाल की अगर एक भी क्वेश्चन आपका फंस गया और बताए थे कि और आप कहेंगे कि क्या सर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ हमारा, तो आप लोग हमारा चैनल को छोड़ दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब जो अगला ट्रिक है वह 5 पे ट्रिक पे है। यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 है, जैसे 15, 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर, ऐसे 55 का स्क्वायर, कोई भी है जिसके लास्ट के नंबर 5 है, तो 75 का स्क्वायर, तो हम इसका शॉर्टकट है हमारे पास, वो समझ लीजिए इसको। आपको कुछ नहीं करना है कि जो लास्ट का नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है, ये 5 का स्क्वायर 25, और ये जो नंबर है ये 1, उसमें एक आगे का नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 जो है 2 के साथ, ये जो 2 है इसमें इसके आगे का एक नंबर 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ लिख दीजिए। और स्टूडेंट्स, आप किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 है 25 लास्ट में लिखिए और 3 में इसके आगे का एक नंबर 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो आप लोग इसको अपने से निकाल के प्रैक्टिस करेंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा विथ शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए नेक्स्ट, अब 100 के आसपास का स्क्वायर अगर आप लोग नहीं देखे हैं, 100 के आसपास का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 के आसपास का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जैसे 92, 93, 94, चाहे मान लीजिए कि 105, 103, 102, इस टाइप से जो 100 के 100 के आसपास है, 50 के आसपास के नंबरों का स्क्वायर, तो आप लोग हमारे ब्रह्मास्त्र ट्रिक फर्स्ट सेकेंड थर्ड को जाकर देख सकते हैं, उसमें आप लोग ब्रह्मास्त्र ट्रिक का वीडियो है, सीरियल वाइज है, 1, 2, 3 लेवल आप देख के इसको बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम सीधा चल रहे थे, स्क्वायर निकाल रहे थे,
अब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के कितने मेथड है, वो स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणन विधि, और इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। तो ये दो मेथड से हम लोग जनरली क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। दोनों का प्रैक्टिस देख लीजिए, दोनों को निकाल कर दिखा देता हूँ, आप लोग बढ़िया तरीके से समझेंगे इसको। चलिए, जैसे मुझे निकालना है 196 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को हम लोग सर्ट्स में लिखते हैं, ये सर्ट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो समझिए कि यहाँ पे 2 रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट 196 का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस विधि में प्राइम फैक्टर मेथड्स में अभी बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद डिवीजन मेथड में बात करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 196 को ऐसे फैक्टर कर देंगे, प्राइम फैक्टर, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग को आता है, ये मुझे पता है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आया हुआ है 2 × 2 × 7 × 7, जैसे एलसीएम निकालने के लिए आप लोग करते हैं वैसे इसको प्राइम फैक्टर में करके इसमें अंदर लिख देना है, और दो दो का पेयर लगाना है, मतलब कि दो पेयर लग गया तो ये बाहर निकल गया एक, और ये दो पेयर लग गया है दो तो ये बाहर निकल गया, तो इसका ये 14 का स्क्वायर है। ये मतलब 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, या कह सकते हैं कि 14 का स्क्वायर 196 होता है। एक और देख लीजिए इसमें, जैसे मान लीजिए कि आपको अंडर रूट में 1296 का निकालना है, 1296 का स्क्वायर निकालना है 1296 का, तो आप लोग इसको भी ऐसे ही फैक्टर कर दीजिए दो से, कितना हो जाएगा 6 4 8 3 2 4 2 से 2 2 से 81 3 से 27 और 3 से 9 3 से 3 3 से 1। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर यहाँ पे आया हुआ है वही नंबर हम इसमें 2 2 कितने बार है, 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 3 3 3 3 3 पेयर लगा कर इसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए 2 का एक पेयर और 2 का एक और 2 3 का एक 3 और इसका एक, कितना हो जाएगा 4 12 36। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ये है प्राइम फैक्टर मेथड, आप लोग स्क्वायर निकालने का एक मेथड हो गया। अब स्टूडेंट्स, अब दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ आप स्टूडेंट्स, अब हम बता रहे हैं कि डिवीजन मेथड से आप लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे कि ऐसा एक लाइन दे देंगे, ठीक है, और लाइन देने के बाद राइट साइड से, राइट मतलब इधर साइड से पेयर लगाए देंगे दो दो का ऐसे। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता, दो दो का तो एक बच जाता, तो लास्ट में एक रहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से पेयर लगाना है डबल डबल का, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि जो पहला पेयर 12 आया है वो देखना है कि किसके स्क्वायर के अंदर ये आ रहा है। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या कि 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 10 में तो 4 2 8 होता है, अधिक ना हो उसके लिए हम लोग कम ही लिखते हैं। इसी तरह इसमें हम चूंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम स्क्वायर के फॉर्म में जाएंगे। जैसे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 है तो 3 का स्क्वायर एडजस्ट करेगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं एडजस्ट करेगा, 16 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 के स्क्वायर को, तो ये दोनों जगह पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 9, इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना 3, और ऊपर से डबल डबल ही उतारना है हमको 96, और ये जो 3 है वो आके यहाँ पे आप जोड़ देना है, मतलब इसी नंबर को समझ लीजिए कि डबल एक बार और जोड़ के यहाँ लिख देना है, इसके सामने लेबल में रखना है, ठीक है। तो चलिए, अब 6 का टेबल हमको ऐसा पढ़ना है कि यहाँ पे 30, देखिए अब डिवाइड करते हैं तो क्या सोचते हैं कि कितने बार जाएगा यहाँ पे, तो 6 6 36 6 बार जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो यहाँ भी हमको 6 लिखना पड़ेगा,
अब इस सिक्स से इन दिन दोनों सिक्स में मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको कम ही रखना है, अधिक नहीं रखना है। सिक्स सिक्स जा 36, 3 6 6 जा 36 और 3 39, देखिए ये आ गया तो ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वह 36 है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आप लोगों के बीच आया हूँ। डिवीजन मेथड से हम इसको कैसे निकालेंगे, एक बार और आपको इस क्वेश्चन को भी समझ लेना है। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले इधर से पेयर लगा लीजिए। पेयर जब कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट पेयर देखिए कितना है आपका, 15 है। तो कितने के स्क्वायर में ये एडजस्ट करेगा, तो 4 के स्क्वायर में 16 होता है, तो 3 के स्क्वायर में एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको 3 लिख देना है। अब माइनस कर दीजिए, कितना 15 में से कितना हो जाएगा 9 जाएगा, कितना 6, और ये 3 आकर यहाँ पे 6 कर लीजिए। ऊपर से डबल ही निकलना, डबल ही उतारना है, ठीक है, डबल डबल सिंगल नहीं उतारना है आपको। अब 6 अगर यहाँ पे हम 9 बार ले जाएं, देखिए यहाँ पे 1 बार जाएगा तो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 9 बार ले जाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 बार, तो 9 बार ले जाएंगे तो 9 जा 81, कैरी कितना 8, और 9 6 जा 54, और 54 और 8 कितना हो जाएगा 62। अब यहाँ पे थोड़ा अधिक हो गया, देखिए अब 9 बार ले गया तो क्या हो गया, ये अधिक हो गया, तो हम उसको डाउन कर देंगे एक, कितना कर देंगे यहाँ पे 8, यहाँ भी हो जाएगा हमारा 8। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 8 जा 64, कैरी कितना 6, और 8 6 जा 48, और 6 54। अब माइनस कीजिए तो ये हो गया कितना, 13 - 4 = 9, 10 - 4 = 6, ये हो गया। अब ऊपर से जो आ रहा है वह 21 यहाँ पे आएगा, और ये 8 प्लस होके यहाँ पे हो जाएगा 676, ठीक है। अब 7 के टेबल में देखेंगे कि यहाँ पे 69 कितने बार में एडजस्ट कर रहा है, ये तो आइडिया लगा रहा हूँ मैं, बाकी तो मल्टीप्लाई करने पे ही पता चलेगा कि इससे अधिक आ रहा है कि कम आ रहा है। तो यहाँ पे है हमारा 69, तो 7 - 7 = 63, तो 9 बार हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। 9 - 9 = 81, 8 - 9 = 54, और 54 और 8 = 62 = 6, और 9 - 7 = 63, और 6 = 69। देखिए स्टूडेंट्स ये आप आराम से यहाँ पे कट गया, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 389 होगा। तो इसी तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से लेके, तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया तरीके से। कॉपी पेन लेके बैठिए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ उसको देखिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के बीच उपस्थित कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन को आपको देखना है कि अंडर रूट में अगर डेसिमल में है तो कैसे निकले, फ्रैक्शन में नंबर है तो कैसे हम अंडर रूट से निकले। स्टूडेंट्स ऐसा जब भी आपको आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम धैर्य रखिए, और मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे धीरे 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 आप लोग उसको कवर करने का प्रयास कीजिए। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके पास अगर कहीं से मिल रहा है तो आप वहाँ से करके अपना प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल ना हो और जीरो दिया है, तो जितने जीरो उसका एक जीरो निकालिए, अगर डबल जीरो है तो एक जीरो, अगर 4 जीरो है तो 2 जीरो, 6 जीरो है तो 3 जीरो, मतलब जितने जीरो हैं उसका आधा जीरो को पहले बाहर निकाल लीजिए, इसका काम ख़त्म। 361 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, इसीलिए मैं बोला था कि आप लोगों को कम से कम 20 और अधिक से अधिक अगर आप जितना याद कर सकते हैं, लेकिन 25-30 तक अगर याद करते हैं स्क्वायर तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो 144 तो सीधी बात है, ये 12 का स्क्वायर है। अब यहाँ 196 पहले पॉइंट को छोड़ दीजिए, आप लोग पॉइंट से मतलब मत रखिए, 196 कितने का स्क्वायर है, तो 196 स्टूडेंट ये 14 का स्क्वायर है, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं इसके अंदर, जैसे 2 अंक है तो आप 1 अंक लीजिए यहाँ से, 1 अंक, जैसे 4 अंक पे होता दशमलव के बाद 4 अंक, तो इधर से 2 अंक पे काटते, मतलब आधा, दशमलव में हाफ, जीरो में हाफ, अब उधर चलिए
प्लस देखिए 9 आप दशमलव से मतलब नाता छोड़ दीजिए, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और इसमें कितने ये पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 4 नंबर है, 4, तो आप दो नंबर पे आइए, 4 का मतलब 4 का हाफ 2, तो 1 2, देखिए यहाँ पे, यहाँ से पॉइंट 2 अंक, इधर से 2 अंक पे, ठीक है। अब जो नंबर दिया हुआ है अब आप उसको आसानी से जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 190 और 12 कितना होता है 202, तो ये हो गया 202 प्लस, यहाँ देखिए 1.4 में 0.03 जोड़ेंगे तो 1.43, तो ये 1.43 और इसके बाद इसमें हम जोड़ देंगे 1 इधर, तो 203.43 आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये आप लोग अगर पूरा बढ़िया से समझ गए हैं तो आप लोग अब धीरे धीरे कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब वह नंबर जो अंडर रूट में है और फ्रैक्शन में भी है, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये नंबर आया है तो 3 ऊपर का ऊपर अंडर रूट निकालिए, नीचे का नीचे कर दीजिए, चाहेंगे तो हम इसको दो पार्ट में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 324 किसका स्क्वायर है, तो ये 18 का है, और ये किसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप अब इसको एलसीएम लेके यहाँ पे आसानी से जोड़ सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो गया 9, ये हो गया 18, अब प्लस 3 3 9 3, और ये कितना हो जाएगा 57, तो ये हो जाएगा आपका 75/9। तो आप इसको आसानी से वेरी इजिली आप लोग वापस आप कंप्लीट इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान है। तो कोई भी नंबर जो फ्रैक्शनल है तो उसको हम ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये 3361 19 का स्क्वायर है, ये 93 का स्क्वायर है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 9, 18 वैसे आ जाएगा, प्लस 3 बार में ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 57, और इसको प्लस कर देंगे 75/9। इसको चाहेंगे तो मिक्स्ड में भी बदल सकते हैं या कटाएंगे तो कटा भी सकते हैं, 3 3 9 25, इसको मिक्स में भी बदल देंगे, कितना हो जाएगा 25/3, 8 होल 1/3 आंसर आएगा। तो आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकें। तो फिर पुनः आपको बता दूं कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगला जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे आपको चाहिए, जो पहला कमेंट करेगा स्टूडेंट्स उसी का मैं कमेंट स्वीकार करूँगा। तो नेक्स्ट जो भी करेंगे वो उनका भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है।